तो बीजेपी 120 पे उड़ जाएगी। वो मरती हुई बीजेपी अब हाथ पैर पटक रही। देश को बेचने का काम कांग्रेस ने नहीं किया है, देश को बेचने का काम मोदी ने किया है। झूठों के सरदार है बीजेपी तो। केजरीवाल जी यहाँ आ रहे हैं जनता को संबोधित करने। कहीं ना कहीं देखा जाए जब से जेल से निकले हैं चुनाव प्रचार में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए ही तो जेल से बाहर आए हैं। और केजरीवाल जी का जितने भी विधान इसमें लोकसभा में प्रचार होगा उतनी ही वोट बढ़ेंगी। केजरीवाल जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा, हमारी दिल्ली की 7 सीटें आएंगी, क्योंकि केजरीवाल जी जहाँ भी घूमेंगे वहीं पर वोट बढ़ेंगी। और बीजेपी वालों के तो झूठे ड्रामे हैं, और ये ईमानदारी और सच्चाई से इलेक्शन हुआ तो बीजेपी 120 पे उड़ जाएगी। आप ध्यान रखना मेरी बात को। मैं जसवंत सिंह राणा एक MLA नरेले से हूँ, तो मैं सच बता रहा हूँ। हमने भी खूब दुनिया देखी है, 70 साल उम्र हो ली है मेरी, तो हमने गहराई से। इलेक्शन में भी घपलेबाजी होती है? इलेक्शन में खूब घपलेबाजी होती है। ये यूपी में इलेक्शन हो रहे थे, मोमडनों पर वहाँ लाठी चार्ज हुई है, वोट नहीं डालने दी, वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिए गए हैं। जो बीजेपी से हथकंडे चलाए जा सके दी, वो हथकंडे बीजेपी मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता। वो मरती हुई बीजेपी अब हाथ पैर पटक रही है। कहीं कांग्रेस पे वो निशाना साधते हुए हमेशा बोलते हैं कि 70 साल में देश को सिर्फ बेचने का काम किया है। 70 साल में देश को विकास जीरो, देश को बेचने का काम कांग्रेस ने नहीं किया है, देश को बेचने का काम मोदी ने किया है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जब खुलासा खुलेगा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा खुलासा आएगा वो। आप ये देखिए, गुजरात में स्टेडियम था, जो महान आदमी के नाम स्टेडियम था, पटेल जी के नाम, वो स्टेडियम भी मोदी ने बदल के अपने नाम रख लिया। ये एक अच्छे व्यक्ति के कार्य है, वो भी गुजराती। और पटेल जी ने तो देश को आजाद कराने में कुर्बानी दी है। मोदी जी का तो सही मायने में इसको कोई रिसर्च नहीं कर सका। अब यह चाइना का मामला, चाइना ने जमीन घेर ली, बोलता है कोई बोलता है? बीजेपी का प्रधानमंत्री बोलता है ये EBM शुरू में चाइना से आई थी, ये की टेक्नोलॉजी ही चाइना ने दी थी। लेकिन EBM तो कांग्रेस, EBM लाने वाली तो कांग्रेस ही है, पहला इलेक्शन कांग्रेस ने ही करवाया। तो कांग्रेस के टाइम में, अब आप एक घड़ी बांधते हो, किसने पता है ये घड़ी है किसमें कुछ और है। EBM तो ठीक आई थी, लेकिन उस EBM की टेक्नोलॉजी ढूंढ के अब उसको ही खराब कर दो तो फिर क्या है? पूरा डिजिटल इंडिया का यूज EBM पे भी हो गया क्या? हाँ बिल्कुल है, EBM सबसे बड़ी चीज है जो देश को बर्बाद करने की राह पे हमारी सरकार आई, NDA की सरकार आई। पहला कार्य दो हुए, एक तो EBM को खत्म करेंगे। कैसे होगा चुनाव? चुनाव जैसे पहले होता था बैलेट से। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है कि EBM सबसे फास्ट और सबसे सटीक तरीका है चुनाव का। वो चोर है, इलेक्शन कमीशन भी चोर है। वो चोर है इसलिए कहता है, वो हमारी अपोजिशन की कहाँ सुनता है? इलेक्शन कमिश्नर हमारी अपोजिशन वालों की कहीं सुनी? लाठी चार्ज हुई UP में, वो मैसेज आए उसके पास, कोई एक्शन लिया? दूसरा बात ये है कि हम एक ही बात जानते हैं, भगवान ने चाही सरकार आ गई तो इनका ये जो अग्नि योजना, सबसे पहले अग्नि योजना पे, पहली बार अग्नि योजना पे कार्य करेंगे। अब जो नौजवान बच्चे, आप भी नौजवान हो ना, 4 साल भर्ती हो गए, हथियार चलाना, हथियार की एक्टिविटी समझना आपका काम है ना, फौज में जाओगे तो 4 साल के बाद आप वहाँ से आओगे तो क्या करोगे? 4 साल बाद आ गए आप, ना घर के ना बाहर के, बेकार हो जाएंगे ना। ना यहाँ ये गरीबी को देख रहे, ना ये अमीरी को देख रहे। 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल, ये कांग्रेस ने तो दिया था। ये जहांगीरपुरी कांग्रेस की बसाई हुई तो है, जितनी भी पुरिया हैं ये सारी कांग्रेस के टाइम की बनाई हुई। इनने कोई पुरी बनाई? झूठ बोलते थे लोगों को मकान बना के देंगे, कितने मकान दे दिए? कोई मकान नहीं। ये देख
झूठों के सरदार है बीजेपी, तो झूठों के सरदार का नाम हमने इसको दे दिया। अब चार चरण के इलेक्शन हो चुके हैं, तीन चरण के इलेक्शन भगवान की दया से अच्छी तरह से हो जाएंगे, 5-4 जून को इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, 2-3 दिन तो काउंटिंग में भी लगाएंगे। क्या लगता है कितनी सीट आ रही है इंडिया अलायंस की? इंडिया अलायंस की करीबन 400 सीट तो आ ही रही है। आप भी 400, बीजेपी भी 400 बोलती है? हम बोलती है, वो तो शुरू से बोलते थे, लेकिन बीजेपी ने अब 400 बोलना छोड़ दिया जब से केजरीवाल बाहर आए। हाँ, ना उससे पहले ही छोड़ दिया था। छोड़ दिया था उन्हें 400 पार कहना, केजरीवाल जी के बाहर आने से पहले ही छोड़ दिया। बार बार कहता है शहजादा। अरे शहजादा तो वो बचपन से है, बाई बर्थ शहजादा है राहुल गांधी, तो जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हो, वो तो बचपन से शहजादा है। अपनी बता तू क्या था, और दो तरक्की देश ने 70 साल में करी थी, इंडिया में पहले सुई भी नहीं बनती थी जब देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हो के उसके बाद जहाज चले, हेलीकॉप्टर चले, सारे सिस्टम तो बाद में ही चले हैं ना, इसने तो सारे देश को बेच खाया। इंडिया में बच्चा पैदा हुआ, इंडिया में जो बच्चा पैदा हुआ उसके जिम्मे भी 2.5 लाख का खर्चा है। कांग्रेस जो थी 50,000 करोड़ कर्जा छोड़ गई थी, आज वो 200 करोड़ से ऊपर जा लिया देश का कर्जा, तो क्या तरक्की है? कोई तरक्की है क्या? कांग्रेस 50,000 करोड़ कर्जा छोड़ के गई थी, वो कर्जा अब 200,000 करोड़ कर दिया। सिलेंडर 400 रुपये का था कांग्रेस के राज में, सिलेंडर 1200 रुपये करके आप 1000 रुपये ले आए, और ये आगे तो ना दो, आपको 200 रुपये लीटर डीजल मिलेगा, 200 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, और सिलेंडर की तो भैया पूछिए मन, 2000 रुपये भी चला जाए तो कोई ताजुब नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है 400 पार जो बीजेपी का नारा बोल रही है, कहीं ना कहीं अब बोलना बंद कर दिया है। पहली बात तो केजरीवाल बाहर आ गए तब से वो टेंशन में आ गए बीजेपी, ऐसा इनका कहना है, और कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस को बताया जा रहा है कि 400 पार करेंगे ये भी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।